लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे प्रदेश के सैकड़ों युवा सरकार से अपने नियमितीकरण समेत 3 सूत्रीय मांग को लेकर सोमवार से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। प्रदर्शन के दूसरे दिन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिन्हें प्रशासन रास्ते पर ही रोक दिया गया। मुख्यमंत्री घेराव के दौरान विभाग में सेवा देने वाले 2500 से ज्यादा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संविदा विद्युत कर्मियों की मांग है कि विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण के साथ ही विद्युत दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए संविदा कर्मियों को उचित मुआवजा, उनके स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति, विद्युत दुर्घटनाओं में स्थायी और अस्थायी अपंगता का शिकार हो चुके हैं साथियों को उचित मुआवजा दिया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।